Hello everyone, welcome to Commerce Net Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट. जनरल इंश्योरेंस हम समझेंगे कि बेसिकली है क्या, क्या डिफरेंट टाइप्स है जनरल इंश्योरेंस के एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट आर गवर्निंग जनरल इंश्योरेंस. रिस्क मैनेजमेंट में अगेन वील हैव द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्क अंडर रिस्क मैनेजमेंट. दिस विल बी स्टार्टिंग टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग, एज यू ऑल नो, अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, please do like, share and subscribe the channel. Subscribe it right now if you haven't subscribed yet and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's first topic, that is general insurance. जनरल इंश्योरेंस क्या है ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था. एज फार एज इंश्योरेंस पॉलिसी इज कंसर्न, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड वन इज जनरल इंश्योरेंस. जब वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ गार्डिंग द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स, लाइफ ऑफ द पीपल्स, वी आर एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस. लेकिन जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी अपने असेट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा जनरल इंश्योरेंस, राइट. सो जनरल इंश्योरेंस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, टू द असेट्स और द बिजनेसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सेफगार्ड दैट, राइट. तो जनरल इंश्योरेंस की जब हम बात करेंगे, जब हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कोई एक फैक्टर तो है नहीं जिससे हमें रिस्क हो सकता है. जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो कितने सारे ही फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमें रिस्क हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स ही होते हैं जिनके बेसिस पे, जिनके कह सकते हो जिनके बिहाफ पे, जिनके अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज. एंड वॉट आर द बेसिक डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू वन बाय वन. वील अंडरस्टैंड इनको डिटेल में पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन. वील हैव जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, हार्डली देर आर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस. फायर इंश्योरेंस सबसे पहला टाइप है. अगर आपकी प्रॉपर्टी को फायर से कोई भी डैमेज होता है, फायर के अकरेंस की वजह से कोई भी लॉस होता है, सो जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा जिस पॉलिसी के अंडर, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग योर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिसी दैट द बिजनेसेस आर अंडरटेकिंग, बिकॉज अकरेंस ऑफ फायर इज यू नो वेरी वेरी कॉमन फॉर द बिजनेसेस व्हेन दे आर इंडल्ज इन टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है. तो आपका जो प्रोननेस है इस रिस्क के लिए, आपका जो प्रोननेस है इस इंसिडेंट के लिए फायर का, उसको कंसिडर करते हुए आप फायर इंश्योरेंस लेते हो कि इन केस आपकी फैक्ट्री में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फायर की सिचुएशन होती है, आग लग जाती है, तो जितना कुछ भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, उसका जो भी कॉम्पेंसेशन क्लेम होगा, इन केस इट वॉज नॉट इंटेंशनल, तो उसका जो भी कॉम्पेंसेशन एंड क्लेम होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट यू फॉर दैट, ठीक है. At the same time, you have to prove that it was not intentional, it was not due to any negligence, it was something that was beyond your control. ये चीज आपको प्रूफ करनी पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे प्रूफ आपको वहां पे मेंशन करने पड़ते हैं, ठीक है. तो ये बात होती है हमारी फायर इंश्योरेंस की. दूसरी बात आती है मरीन इंश्योरेंस की. देखो, जब हम बिजनेसेस में डील कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, जो भी हम अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली सी रूट के थ्रू होता है, वो बेसिकली शिप्स के थ्रू होता है, येस और नो, राइट. सो वहां पे क्या होता है कि देर कैन बी सिचुएशंस जहां पे सी स्टॉर्म्स हो, या फिर मान लो द शिप sunks or there is invasion of the sea robbers and all those situations are there, जिसमें आपके goods को कोई ना कोई loss हो सकता है, ठीक है. So prevent, in order to prevent your goods from these kinds of losses, businesses generally adopt the marine insurance policy, ठीक है. Now next we have motor vehicle insurance. Whatever automobiles you are using, whether it is a two wheeler, whether it is a four wheeler, जो भी insurance आप अपने vehicle के लिए ले रहे हो, all that will be covered under the motor vehicle insurance. Again you are safeguarding your asset in case of any accident, कि आपके आपका जो भी vehicle है उसको कोई damage हो रहा है, तो in that case you are going to get it repaired and the insurance company is going to provide you with the claim. अगेन द सेम कंडीशन, इट शुड नॉट बी इंटेंशनल. और साथ ही साथ आपकी वजह से अगर किसी और पर्सन को यू नो देर इज सम लॉस, अगेन यू आर गोइंग टू पे फॉर इट अल्टीमेटली, विच विल बी अ सिचुएशन ऑफ सबरोगेशन. देर इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, योर एंड द वन हु इज बींग
अफेक्टेड। उसके बाद है बर्गलरी और थेफ्ट इंश्योरेंस। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है बिजनेसेस में कि कभी कोई सामान या फिर कोई गुड्स या फिर कोई स्टॉक, कोई माल चोरी हो जाता है, तो उसको ट्रैक करना, उसको दोबारा से फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो स्टॉक एक लिमिटेड अमाउंट में है तो स्टिल यू कैन निग्लेक्ट इट, बट कभी कभी माइट बी पॉसिबल कि पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही गायब हो जाए, राइट? तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू यू नो बी वेल प्रिपेयर्ड एंड यू आर गोइंग टू इन ऑलरेडी हैव दिस इंश्योरेंस, सो दैट अगर आपका कोई कंसाइनमेंट चोरी होता है तो अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू बियर द फाइनेंशियल सेटबैक, यू हैव द कॉम्पेंसेशन विद यू विच कैन बी अवेल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो ये डिफरेंट टाइप्स थे हमारे जनरल इंश्योरेंस के। चलो अब आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स के बारे में कि जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इन अ नटशेल हमने ऑलरेडी सारे प्रिंसिपल्स कर लिए थे जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को गवर्न करते हैं। उसके बाद हमने लाइफ इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। अब हम जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। लाइफ और जनरल में जो एक बेसिक डिफरेंस है ना प्रिंसिपल्स को लेकर के, वो आके फंसता है इंडेमनिटी वाले प्रिंसिपल पे, ठीक है? वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। एक बार पूरे प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट शुड बी यू नो इट शुड एक्चुअली स्टेट कि व्हाट इज ऑल देयर प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ, ये दिस इज आई थिंक आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स कि इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में देयर शुड बी अ सिचुएशन ऑफ ट्रस्ट, अ सिचुएशन ऑफ फेथ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट वेयर इन कोई भी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी से कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स, टर्म्स या कंडीशंस छुपाएगी नहीं, कंसील नहीं करेगी, हर एक चीज क्लियरली एक्सप्लेन्ड होगी। उसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप जो इंश्योरेंस लोगे जनरल इंश्योरेंस, वो आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोगे। आप पड़ोसी का घर इंश्योर नहीं कराओगे, आप पड़ोसी का बिजनेस नहीं इंश्योर कराओगे, आप अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर कराओगे। उसके बाद आता है इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का क्लॉज डिफरेंट क्यों हो जाता है लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के केस में, ये हम यहाँ पे समझेंगे। इंडेमनिटी का मतलब वही रहेगा, टू मेक गुड द लॉस। लेकिन जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो एक्चुअल लॉस हुआ है ना आपको, वो आपको लाइफ का लॉस हुआ है, आप उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे, उसको आप कह सकते हो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो उन फैमिली मेंबर्स को, जो कि अब उस पर्सन के जाने के बाद सर्वाइवल के लिए यू नो दे विल बी फाइंडिंग आउट ऑप्शंस, राइट? लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल, इंडेमनिटी का जो क्लॉज है, वो एज इट इज वैलिड है, बिल्कुल क्लियर टर्म्स में वो यहाँ पे फिट बैठता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, अगर मान लो फायर के इंसिडेंट में आपके मान लो कुछ फर्नीचर्स खराब हो गए, तो अगर वो रिपेयर होने की कंडीशन में है अभी भी तो वो रिपेयर होंगे, नहीं तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है? या फिर आपको क्लेम मिलेगा कि आप उन फर्नीचर्स को रिप्लेस कर सको। तो अल्टीमेटली आपको जो एसेट है वो एक एसेट से दूसरे एसेट की जगह रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है? आपको कुछ आप कुछ खो नहीं रहे हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में यू लूजिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द पर्सन, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है जनरल और लाइफ में इंडेमनिटी वाले प्रिंसिपल के लिए। सबरोगेशन मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉस, किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से आपको कोई लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू बियर दी लॉसेस विच विल बी अल्टीमेटली बोर्न बाय दी इंश्योरेंस कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। जब आपने दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, मान लो एक कंपनी से आपने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, दूसरी कंपनी से आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है, और आपको जो लॉस आ रहा है टोटल वो आ रहा है अराउंड 6 लाख का, ठीक है? तो अब ये जो रेशियो है ना 1:2 का, इसी के रेशियो में आपको क्लेम मिलने वाला है जब आपको लॉस होगा, ठीक? उसके बाद आता है कॉज़ा प्रॉक्सिमा, द प्रॉक्सिमेट कॉज। जिस पर्टिकुलर कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपको लॉस भी उसी से ही होना चाहिए। यानी कि फायर इंश्योरेंस लिया है तो फायर का ही इंसिडेंट होना चाहिए, मरीन इंश्योरेंस लिया है तो मरीन के ही क्लॉजेस प्रेजेंट होने चाहिए, बर्गलरी या थेफ्ट इंश्योरेंस लिया है तो यही वजह होने चाहिए जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, ठीक? सो दिस कंप्लीट्स योर जनरल इंश्योरेंस। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखो रिस्क क्या है, रिस्क इज द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क लेते हैं हम लोग कि हम सर्टेन नहीं है, हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में, हम बस रिस्क के बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है? और ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि रिस्क जितना हाई होता है रिटर्न उतना
बेटर होता है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक एनी वन वुड हेजिटेट टू टेक अ रिस्क इफ यू हैव अ कह सकते हो स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम विद यू. ठीक, सेकेंड पॉइंट कहता है रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ रिस्क विच एक्सपोज द असेट्स और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज. रिस्क क्या है ये हम समझ चुके हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना और साथ ही साथ ये समझना कि क्या ये रिस्क उठाने के लायक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. हम रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट क्या हम इस रिस्क को बियर कर सकते हैं. दिस इज वॉट ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इज. Third point says risk management performs three important functions which includes identification of risk, यानी कि पहले हम risk पहचानेंगे कि actually क्या risk associated है हमारे business से, वो कौन सा factor है जो हमें risk risk की situation में डाल सकता है. उसके बाद analyze the degree of risk, यानी कि वो risk कितना severe है हमारे organization के लिए, हमारे business के लिए, हम ये analyze करेंगे. उसके बाद assign economic values to this risk. अब जब बिजनेस रन करें तो जरूरी तो नहीं है ना कि कोई एक ही रिस्क हमें हम एक ही रिस्क एनकाउंटर करेंगे. देर कैन बी अ नंबर ऑफ रिस्क क्योंकि हम कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें इन रिस्क को जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में हमें फेस करनी पड़ रही है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमें एनकाउंटर करनी पड़ रही है, उनको हम एक रैंक दें, उनको हम एक वैल्यू असाइन करें कि सबसे ज्यादा जो डिग्री है, सबसे ज्यादा जो सीवियरिटी है, कौन से रिस्क की है, एंड अगेन द आफ्टर दैट द लोअर वंस. ठीक है, तो एक तरह से हम उसका एक ऑर्डर सेट कर रहे हैं रिस्क का कि कौन सा रिस्क हमारे लिए सबसे ज्यादा कह सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा हार्म कर सकता है आपके बिजनेस को. थर्ड पॉइंट कहता है डिग्री ऑफ रिस्क इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिस्क विच इज असेस्ड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल लॉसेस. डिग्री ऑफ रिस्क क्या है कि आपको बेसिकली डिफरेंस निकालना है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल लॉसेस में, वो हो जाता है आपका डिग्री ऑफ रिस्क. जब आप रिस्क को समझ चुके हो तो आप एक एस्टिमेट लगाओगे, आप कुछ एक वैल्यू एक्सपेक्ट करोगे कि इतना हमें लॉस हो सकता है. वेयर एज हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल लॉस हो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो या ज्यादा हो. कम या ज्यादा के बेसिस पे ही हम डिग्री को कह सकते हैं कि हम डिग्री को असेस कर सकते हैं. अगर ये डिफरेंस कम आ रहा है तो डिग्री ऑफ रिस्क कम है, अगर ये रिस्क ज्यादा डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो यानी कि हमारा डिग्री ऑफ रिस्क ज्यादा है. दो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझने हुआ है पेरिल और हजार्ड का. मतलब पेरिल होता है हमारा कॉज ऑफ रिस्क या कॉज ऑफ लॉस, जिस वजह से हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, जैसे फायर इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो कॉज ऑफ रिस्क या कॉज ऑफ लॉस होगा हमारा फायर. मरीन इंश्योरेंस की बात करेंगे तो हो सकता है वो हमारा वाटर हो. ठीक है, उसके बाद हजार्ड की अगर बात करें तो हजार्ड क्या होता है, कंडीशन दैट इंक्रीजेस सीवियरिटी ऑफ लॉसेज. यानी कि हजार्ड वो चीजें होंगी या वो फैक्टर्स होंगे या वो सिचुएशंस होंगी जिनकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ रहा है. फायर की बात करें तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी बिल्डिंग ने कोई भी फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उस केस में वो आपके लिए हजार्ड है. मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आपके वेसल्स काफी पुराने हो चुके हैं या आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अपने शिप में नहीं लगाए हुए हैं या नहीं इंस्टॉल किए हुए हैं तो अगेन दैट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ हैजार्ड जो कि आपके रिस्क के चांसेस को और बढ़ा देगा. अरे भाई, जो फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आग लग गई है, आपके पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है तो आप तो मतलब कुछ सेव कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो उस बेसिस पे भी इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं और उसी के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है. ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो आपका प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है एंड माइट बी पॉसिबल कि आपको कंपनी पॉलिसी ना दे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क के बारे में जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है. सबसे पहला है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क यानी कि एनी रिस्क दैट इज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू असाइन टू इट. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स में आपको लॉस हो रहा है, पैसे के टर्म्स में लॉस हो रहा है, वो हो गया हमारा फाइनेंशियल रिस्क. नॉन फाइनेंशियल रिस्क जैसे मान लो यू आर फेसिंग हाई एम्प्लॉय टर्न ओवर, दैट कैन बी सिचुएशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क. उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक रिस्क के बारे में. स्टैटिक और डायनेमिक रिस्क सिंपल सा ऐसा समझ सकते हो कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं रहता है, तो जो स्टैटिक रिस्क का फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि नेग्लिजेंट होता है क्योंकि हमारा जब बिजनेस का एनवायरनमेंट ही नहीं स्टैटिक है तो हम रिस्क को कैसे समझ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिस्क स्टैटिक है. जो अभी रिस्क हम फेस करें वही हम आने वाले टाइम में भी फेस करेंगे. इट माइट चेंज एंड इट चेंजेस इन प्रैक्टिकल सेंस. ठीक है,
जहाँ तक हम डायनेमिक रिस्क की बात करते हैं, तो हमारा क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, डेली जो फैक्टर्स है हमारा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो चेंज हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो डायनेमिक रिस्क वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, माइक्रो फैक्टर्स हो या मैक्रो फैक्टर्स हो। ठीक, उसके बाद आता है फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क वो होते हैं जो कि एक पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम ऐसे समझे कि अगर डीमोनेटाइजेशन वाला जो सिचुएशन आया था, तो उसने सारे ही बिजनेसेस को अफेक्ट किया था। आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या आप एक पर्टिकुलर फर्म नहीं थे जो कि अफेक्ट हुआ था इस प्रॉब्लम से। देयर इज पर्टिकुलर रिस्क होता है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को या एक पर्टिकुलर फर्म को ही अफेक्ट करेगा स्पेसिफिकली। उसके बाद आते हैं प्योर एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क वो होते हैं जो कि यू आर श्योर कि वो इसी फॉर्म में अकर होंगे। अगर हम फायर की बात करें, तो फायर हमें पता है कि इट विल बी यू नो अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन और ड्यू टू सम नेग्लिजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंस्टॉल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन और द फैक्ट्री। तो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ प्योर रिस्क, जहाँ हमें एक्चुअली पता है कि रिस्क हमारे लिए है क्या। स्पेक्युलेटिव रिस्क में हम सिर्फ एजम्पशंस लेते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट वेरी श्योर शॉर्ट कि इस पर्टिकुलर मान लो किसी इक्विपमेंट को या किसी मशीन को या किसी भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करा रहे हैं हम, तो उसके साथ एसोसिएटेड स्पेक्युलेटिव रिस्क होते हैं। जरूरी नहीं है कि वैसा हो, जरूरी नहीं है कि वो मशीन ब्लास्ट हो जाए, माइट बी पॉसिबल, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ स्पेक्युलेटिव रिस्क। उसके बाद आता है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किया हुआ था बिजनेस एनवायरनमेंट में। सो इंटरनल रिस्क आर द वंस दैट आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है और साथ ही साथ दे आर यू नो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज नॉट मैनेज्ड बाय अस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज जनरल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगली वीडियो में हम रिस्क स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, एंड अगेन अ रिमाइंडर, प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब इट राइट नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, एंड बी रेगुलर विद द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। टेक केयर, थैंक यू।